हाय गाइस, दिस इज दिलजीत सिंह। तो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ हिमेजी कैसल में, एंड माय फ्रेंड्स वर कीप रिकमेंडिंग मी लाइक जस्ट गो टू हिमेजी कैसल, इट्स अ लिटिल बिट फार बट स्टिल इट्स वर्थ इट। तो मैं कैसे जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ शिंकनसेन से, क्योंकि वो है अराउंड 100 किलोमीटर फार फ्रॉम क्योतो। तो मैं शिंकनसेन से जा रहा हूँ, अगर लोकल ट्रेन या बस से जाऊँगा तो ऑलमोस्ट 2.5 आवर लगेंगे, एंड शिंकनसेन से जस्ट 35 मिनट्स। तो शिंकनसेन आपको पता ही है ना, बुलेट ट्रेन को बोलते हैं जापान में शिंकनसेन। तो टिकट्स ऑलरेडी मैंने बुक कर दी हैं, एंड जो वेटिंग टाइम है अराउंड 12 मिनट्स। तो फिर उसके बाद हम चल ही देंगे जैसे, तो ऐसे शिंकनसेन ही खड़ी रहती है। मैंने इसकी स्पीड तुम्हें ऑलरेडी दिखाई है दूसरी वीडियो में, इसकी स्पीड है अराउंड मैक्सिमम 320 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। बट जब मैं आ रहा था ना, जब मैं क्यों तो आ रहा था उस टाइम पे गई थी मैक्सिमम 307 किलोमीटर पर आवर। गाइस, मैंने जस्ट अभी रेलवे स्टेशन से एग्जिट लिया। एज यू कैन सी बिहाइंड मी देयर इज़ द रेलवे स्टेशन, एंड गेस व्हाट, उसके जस्ट सामने ही हिमेजी कैसल दिख रहा है। ये देखो, वो दिख रहा है ना, हल्का सा दिख रहा है, थोड़ा चल रहे हैं अभी वहीं पे। पहले मैं सोच रहा था यार कि शायद बस लेनी पड़े या फिर लोकल में सबवे से जाना पड़े, मैंने इंटरनेट पर इतना ज़्यादा चेक नहीं किया था आने से पहले, इट वॉज़ वेरी क्विक। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ तक, तो यार हम पैदल चल के जा सकते हैं। जैपनीज़ में पैदल चलने को बोलते हैं आरोहिते। क्यों देख रहे हो, वहाँ तक लाइन लगी हुई है। बट कोई नहीं यार, अब तो गोल्डन वीक है, तो अब तो ऑलमोस्ट मुझे इसकी आदत पड़ी चुकी है। क्राउड देख रहे हो कितना है। बट ऐसा है कि ये जो लाइन है ना, मतलब रुकी हुई नहीं है, चले जा रही है। सो नो प्रॉब्लम, आई थिंक जस्ट 15 मोर मिनट्स। तो ये इसका ब्लूप्रिंट है बेसिकली। तो ये मैं ट्राई करूँगा यार सारे ही कवर कर दूँ, काफ़ी बड़ा है यार ये तो। Thank you.
सो गाइज, दिस कैसल इज रियल मास्टरपीस ऑफ ट्रेडिशनल जैपनीज वुडन आर्किटेक्चर एंड यू नो व्हाट मेक्स इट यूनिक। उसके कुछ पॉइंट्स है। पहला ये कि ये कम्प्लीटली वुड से बना हुआ है, एंड दूसरा ये वर्ल्ड हेरिटेज में भी आता है। तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें आज तक फायर नहीं लगी, मतलब जैसे जापान में और भी कैसल्स हैं जो भी काफ़ी बड़े हैं, बट उनमें क्या है कभी कभी कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो आग लग जाती है उसमें, तो फिर उसके बाद वो वुड के नहीं बनाते लोग, जो न्यू बनाते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली उनको ना कंक्रीट का बनाते हैं। तो इसमें ऐसा कभी नहीं हुआ इंसिडेंट, और जैसे वॉर के टाइम पे भी कुछ कैसल जो बड़े बड़े थे वो बर्बाद हो गए, बट इसमें कभी नहीं हुआ। इसमें वॉर हुए बट ये सब कुछ सही रहा। एंड यू नो वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट हिमेजी कैसल इज इन वर्ल्ड वॉर टू इन 1945 ये पूरी की पूरी सिटी ना अमेरिका ने जब यहाँ पे ड्रोन स्ट्राइक किया था, पूरी की पूरी सिटी ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुकी थी, बट स्टिल दिस कैसल समहाउ सर्वाइव। अब आई डोंट नो इसको मैजिक बोलूँ या लक बोलूँ, बट ये सर्वाइव कर गया था। इसका जो सबसे ऊपर वाला सेंटर पॉइंट है ना, अगर उसकी ग्राउंड से लेके पूरी हाइट देखें तो वो 45 मीटर की है, और बाहर से देखने में लगता है ना कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 फ्लोर है, बट एक्चुअली इसमें 7 फ्लोर है, क्योंकि कुछ फ्लोर्स ये जो पत्थर लगा रखे हैं ना उससे भी कवर हो रहे हैं। सो यही कुछ पॉइंट्स हैं जो इस कैसल को बहुत ज़्यादा यूनिक बनाते हैं। तो गाइज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट्स में, एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही देना। तो जब मैं रास्ते में आ रहा था ना तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट पड़ा, इंडियन रेस्टोरेंट दरबार करके, तो मैं अब जा रहा हूँ यार वहाँ पे खाना खाने, बहुत भूख लगी हुई है। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।